इस बार के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जुब्बल नावर कोटखाई के, वो बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। डेट का कोई आइडिया नहीं है, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी शिमला में हूँ। प्रोफेशनल, सोशल और पॉलिटिकल तीनों काम के लिए यहाँ आया हूँ। तो जैसे कि इलेक्शंस अब बिल्कुल नज़दीक हैं विधानसभा लेवल पे, कांग्रेस और बीजेपी पहले ही अपनी लिस्ट अनाउंस कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट है वो आज या आज शाम तक वो अनाउंस हो जाएगी सभी 68 विधानसभा लेवल पे। तो अभी इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाऊँ, सो दैट आई विल गेट द डॉक्यूमेंटेशंस की क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होती है किसी भी विधानसभा पे एक MLA के नॉमिनेशंस के कंटेक्स्ट में। 2:30 हो चुके हैं, मैं कुछ मीटिंग्स में बिज़ी हो गया था। MSME की मीटिंग थी जो ऑनलाइन 2 घंटे चल रही थी, साथ में रजिस्ट्रेशंस करा रहा था आम आदमी पार्टी की जॉब गारंटी और फीमेल बेनिफिट्स के लिए कुछ रजिस्ट्रेशंस वो कराई हैं। और अब सोच रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ जाऊँ ताकि डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसेस को पता कर सकूँ एग्जैक्टली क्या प्रोसीडिंग्स रहती हैं किसी भी विधानसभा में MLA रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो वो ज़्यादा बेटर इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा क्योंकि उनके पास अथॉरिटी भी है और मुझे कुछ नया भी सीखने को मिल जाएगा। देखिए, लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो अगर हम उसमें रहेंगे तो हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहेगा। 3 बज रहे हैं और मैं अभी भी फ्री नहीं हुआ हूँ। अब देखता हूँ एज सून एज पॉसिबल मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ जाता हूँ और क्या मुझे वहाँ पे पता चलता है, लेट्स सी जो भी है। और आने के बाद आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग। देर इज़ अ चेंज इन प्लान। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ना जाने के बजाय मुझे ये लगता है कि मुझे अभी जुब्बल जाना चाहिए। मैंने कुछ डाटा को इवेलुएट किया, उस डाटा के थ्रू मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि इट्स बेटर कि मैं अभी जुब्बल जाऊं बजाय कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाऊं। तो सुबह मुझे मॉर्निंग में श्रीकांत चौहान जी का भी कॉल आया था और हो सकता है वो मुझे कोटखाई में मिले, और अगर वो मुझे कोटखाई में मिलते हैं तो मैं उन्हें आप सभी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मे बी ही कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आम आदमी पार्टी जुब्बल नावर कोटखाई। वैसे तो कैंडिडेट इंटरव्यू देने का मौका मुझे भी मिला है। 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, उसमें से 3 बहुत स्ट्रांग थे और 2 का आंसर्स बहुत वीक था। उसमें से 1 को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट 1 में मैं बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा लेके आ सकता हूँ। तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया, जैसे कि वो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था, आम आदमी पार्टी की जो गारंटीज़ हैं जॉब सिक्योरिटी यूथ के लिए और फीमेल्स के लिए इंसेंटिव्स। जस्ट अभी अभी मैं फ्री हुआ हूँ कोटखाई से, और कोटखाई में मुझे थोड़ा सा बैंक में भी काम था, तो मैं HDFC बैंक गया था। नवीन नाथन जी बैंक मैनेजर हैं, उनको मिलने वहाँ पे विकास भाई मिले, प्रक्षित चौहान जी मिले, साहिल चौहान जी मिले, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी उनसे बातें हुई। तो बातों से जो चीज़ें निकल के आई हैं वो यही है कि देखिए, इस बार के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जुब्बल नावर कोटखाई के, वो बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव है और स्पेशली यूथ यंगस्टर्स थे वहाँ पे। तो यंगस्टर्स का वोट अट्रैक्ट करने का कुछ ही पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, दे विल कंसीडर यू। वोटर्स को क्वालिटी चाहिए, और जो क्वालिटी वोटर्स है उनको तो एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी रिक्वायर्ड रहती है रिप्रेजेंटेटिव से। और श्रीकांत चौहान जी अब वो नहीं मिल पाए मुझे, मैं वेट कर रहा था, कॉल भी किया था, टेक्स्ट भी किया था, कोई इतना रिस्पांस नहीं आया, शायद बिजी होंगे उस वजह से नहीं आया होगा। तो वो भी शायद विधानसभा लेवल पे लोगों से मिल रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि श्रीकांत चौहान जी रिप्रेजेंट
करने वाले हैं आम आदमी पार्टी से, जो बलनावर कोटखाई से। विशाल चांगटा जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोहित ठाकुर जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चेतन ब्राक्टा जी को भी फिर से मौका मिला है बीजेपी से। पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी जुब्बल पहुंच चुका हूं, जैसे रास्ते में ब्लॉग बना ही रहा था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था। तो अभी मेरे साथ मिस्टर लोकेंद्र झोटा जी हैं, ये जुब्बल धार के रहने वाले हैं, और वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने जुब्बल नावर कोटखाई से इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशंस भी दी थी 2017 में, तो जो कि एक बहुत ही अप्रिशिएटेबल चीज़ है एटलीस्ट मेरे लिए। तो मैं चाहूँगा कि लोकेंद्र सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यूथ्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको एक थोड़ा सा राइट डायरेक्शंस मिले, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या करना चाहिए, कुछ भी इस तरह से जो अनुभव अगर शेयर करेंगे तो हम यूथ को वो बहुत काम आएगा। प्लीज़ लोकेंद्र सर। मेरा ये अनुभव है कि पार्टी टिकट में इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस ने अपना टिकट डिक्लेयर कर दिए, बीजेपी ने अपने डिक्लेयर कर दिए, अब आम आदमी पार्टी को तो सबसे पहले डिक्लेयर करने चाहिए थे, क्योंकि जो एक कैंडिडेट होता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है इसमें, कि ताकि वो हर लोगों से कांटेक्ट पर्सनली कांटेक्ट करें। या लोग पार्टी को टिकट नहीं देते, या कैंडिडेट को का चेहरा देखते हैं, उससे कांटेक्ट के अनुसार वोट देते हैं। अब आम आदमी पार्टी ये क्या सोच रही है, क्या सोच ऐसी है कि इतना लेट कर दिया। अब 25 को तो नॉमिनेशन लास्ट डेट है, उस दिन कैसे पेपर इकट्ठे करें, बैंकों से लेना है, पटवारियों से अपनी चल और अचल संपत्ति के पेपर लेने हैं, नोटरी से उसे अटेस्ट करना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटियां पूरी करनी है, 3 दिन छुट्टियां बीच में, तो कैसे कर पाएंगे ये कार्रवाई। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको बहुत लेट मिलेगा, जो नए लोग हैं, वो पूरी फॉर्मेलिटी नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि यूथ भी होने चाहिए बीच में, ठीक है सर, ठीक है, बहुत सारे यूथ होने चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, एक आधा सीनियर भी होना चाहिए, एक आधा कम लोग सीनियर होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा मैक्सिमम यूथ होने चाहिए, लेडीज भी होनी चाहिए, ठीक है, करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यूथ को टिकट ना मिले, ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन पहले भी करा है रिप्रेजेंटेशन के पार्ट पे, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन नॉमिनेशन भरने से पहले? इलेक्शन नॉमिनेशन पहले से पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो SDM साहब होते हैं हमारे, जैसे हमारे जुब्बल कोटखाई के जुब्बल में रिटर्निंग ऑफिसर साहब SDM साहब, उनसे हमें जो नॉमिनेशन के पेपर है वो लेने पड़े, फॉर्म लेने पड़ेंगे, 5-6 किस्म के फॉर्म हैं, उन फॉर्मों को नोटरी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, फोटो लगवाने पड़ेंगे, अपने मतदाता सूचियों को देखना पड़ेगा कि तो मेरा ये जो भी लिस्ट चेकलिस्ट होती है ये इलेक्शन की वेबसाइट पे मिल जाती है, ये वेबसाइट पर भी मिलेगी, और बेहतर होगा कि SDM ऑफिस में जो होता है SDM ऑफिस या रिटर्निंग ऑफिसर जो इस इलेक्शन में है उस ऑफिस से ही कॉन्टेक्ट करके फॉर्म लिए जाए। जैसे आपने वो फॉर्म कहाँ से लिया? मैंने SDM ऑफिस से लिए थे, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, जुब्बल में था, 17 से जुब्बल में काम कर रहे थे SDM रिटर्निंग ऑफिसर प्रीवियस इलेक्शन में, 2017। अच्छा, तो अभी इस वक्त भी नॉमिनेशन जुब्बल में, मैंने जो सोशल मीडिया पर देखा कांग्रेस के 21 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जुब्बल में करेंगे, तो ऐसा है कि इस बारी भी जुब्बल कोटखाई की नॉमिनेशन जुब्बल में होगी। इसमें इन शॉर्ट लोकेंद्र सर के कहने की ये बात है कि जो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहती है उसमें एक चेकलिस्ट रहती है डॉक्यूमेंट्स की, जो कैंडिडेट्स को सबमिट करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर्स को, चल और अचल संपत्ति के बारे में देना है, पटवारी से कागज लेने, कितनी संपत्ति इसके है, इसके पास मकान, जमीन, जायदाद, वो सारी चीजें देनी होती है, फॉर्म में लिखनी है, ठीक है, कोई अचल संपत्ति, चल संपत्ति, कोई घर में घर की अपने जो बैंकों में बैंकों के अकाउंट की डिटेल, सोना चांदी वगैरह, जेवरात वगैरह, उसकी सारी डिटेल, इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। और वैसे तो मुझे लगता है कि जो हाई टीम है आम आदमी पार्टी की, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और एक दिन में इसको कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जब मैंने पिछली बारी फाइल किया था तो मुझे 3-4 दिन लगे, मतदाता सूचियां भी देखनी है, मेरा मतदाता सूची में नाम है कि नहीं है, है तो किस सीरियल नंबर में है, कौन से पार्ट में है, सीरियल सब कुछ, बहुत सारे चेक पॉइंट्स है जो हमें चेक करने हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, नहीं तो नॉमिनेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा।
स्क्रूटनी होगी और रद्द हो जाएगा अगर फॉर्म गलत भरेंगे तो। वो तो सर उनको पता होगा ना कि क्या है। नहीं वो उस वक्त वो नहीं बोलेंगे, कोई कोऑपरेटिव हो तो पिछली बार मुझे तो कोऑपरेट किया कि ये आप ये गलत भर रहे हैं तो इसको ठीक करो, नहीं तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। कई लोग होते हैं वो बोलेंगे कि करो फाइल कर दो, बाद में देखेंगे कम है तो रिजेक्ट कर देंगे। इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन पार्ट पे रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये सोली उनका अपना जिम्मेदारी है। थोड़ा सा टाइम छोटा है, कैंडिडेट्स की लिस्ट आने में बहुत टाइम लग चुका है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। स्क्रूटनी में बाहर हो जाएगा, स्क्रूटनी में बाहर हो जाएगा, बट होपफुली ऐसा नहीं होगा तो ये काफी अनफॉर्चुनेट हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। हो जाते हैं जी, कई जगह हो जाते होंगे, बट ऐसा जुब्बल नावर कोटखाई में ना हो तो बेटर रहेगा। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को रोक दूंगा क्योंकि व्लॉग काफी लंबा हो रहा है। तो कोई सर लास्ट में कुछ सजेशन? लास्ट में सजेशन है कि हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी नामों की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि एक्टिवली काम कर सके। अभी तो कोई चेहरा ही नहीं है, किसके लिए कहीं भी जाएंगे तब तो केजरीवाल को वोट दो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय भारत जय हिंद, और इलेक्शंस को सेलिब्रेशंस की तरह सेलिब्रेट कीजिए। ये एक फंक्शनल एक्टिविटी टाइप है, नेशन बिल्डिंग के इंटरेस्ट में है, कंट्री को बेटर डायरेक्शन की तरफ ले जाने की तरफ है।